नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। और आप सभी के साथ मैं हूं रमन शर्मा। एक बार फिर से लेकर आया हूं आप सभी के लिए किडनी से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारियां, जो आप कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर देख सकते हैं और आने वाली किडनी प्रॉब्लम से अवेयर हो सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि किडनी पेशेंट के लिए एक्सरसाइज बेनिफिशियल है या योग। किडनी को हेल्दी रखने के लिए आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो किडनी पेशेंट हैं उनके लिए एक्सरसाइज से बेहतर है योग। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार किडनी पेशेंट कम दबाव वाली एक्सरसाइज की जगह भारी वजन वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। अगर किडनी पेशेंट योग करते हैं तो किडनी की समस्या के साथ साथ शरीर में चल रही छोटी मोटी हर तरह की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। अगर किडनी के मरीज एक्सरसाइज करते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखें कि भारी वजन वाली एक्सरसाइज करने से उनकी समस्या बढ़ सकती है, वो हल्की ही एक्सरसाइज करें। अगर आप योग करना चाहते हैं तो अब आपको बताते हैं कि कौन सा योग करना है और कौन सा योग करने से कैसे फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन ईजी योगासन के बारे में जिन्हें आप बैठ कर सकते हैं। फर्स्ट है पश्चिमुक्तासन। आप आराम से बैठें, फिर सीधा लेटते समय दोनों पैरों को आप रखते हैं। उस अवस्था में पैरों को रखें और सीधा बैठें। अब अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे अपने पैरों की तरफ लाते हुए दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ें। जब ये क्रिया हो रही हो तब आप अपने दोनों पैरों और हाथों को सीधा रखें। अगर आपसे पहली बार में अंगूठा न पकड़ा जाए तो आप जहाँ तक अपने हाथों को ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाएं। बाद में धीरे धीरे दूरी को कम करते हुए हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करते रहिए। जब आप इस क्रिया में सफल हो जाएं, तब दोनों हाथों के बीच से सिर को नीचे करके अपनी नाक को धीरे धीरे घुटनों में लगाने की कोशिश कीजिए। अंगूठा पकड़ने की पोजीशन में 10 से 12 सेकंड तक रुके रहें। इस आसन को 3 बार ही करें। इस आसन को करते समय सांस को नॉर्मल रखें। एक खास बात, अगर आपको कमर दर्द की समस्या है तो इस आसन को बिल्कुल मत कीजिए। सेकंड है जानुशीर्षासन। इस आसन में आपको अपना सिर घुटनों से लगाना होता है, इसका नाम इसीलिए जानुशीर्षासन है। दोनों पैर आगे की ओर रखें और जैसा पश्चिमोत्तासन में किया था वैसा करें। फिर बायां घुटना मोड़कर दाएं तलवे से बाईं जांग को छुएं, दोनों हाथ उठाकर दोनों अंगूठे मिलाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और माथा राइट घुटने से लगाएं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएं, बारी बारी दोनों पैरों से इस प्रक्रिया को कीजिए। एक खास बात, अगर आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम है तो इस आसन को बिल्कुल मत कीजिए। थर्ड है आप पूरी तरह से रिलैक्स होकर बैठें। आप पूरी तरह से सांस छोड़ें और अपनी क्षमता के हिसाब से सांस को रोकिए और फिर धीरे धीरे सांस लें। ऐसा 21 बार करें क्योंकि इस योग से आपका खून साफ होता है, जिससे आपकी किडनी स्वस्थ रहती है। लास्ट है शशांकासन। शशांक यानी खरगोश। खरगोश की तरह बैठकर यह आसन को किया जाता है, इसलिए इस आसन को शशांकासन कहते हैं। दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाकर एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ें, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें और माथे को जमीन पर लगाने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश करें कि नीचे झुकते समय आपका बैक पोर्शन ना उठे। सांस लेते हुए अपनी पहली पोजीशन में आ जाएं। 5 या 6 बार यह आसन कीजिए और अगर आपको कमर दर्द है तो इस आसन से आपको कमर दर्द में भी रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं उन आसन के बारे में जिनको आप उल्टा लेटकर कर सकते हैं। फर्स्ट है शलभासन। इसे करने के लिए आप पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को दोनों जांघों के नीचे रखें, सांस लेते हुए दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएं। थोड़ी देर तक सांस रोकने के बाद सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर लाएं। इस आसन को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी ठोड़ी जमीन से लगी रहे और आंखें बंद रहें। घुटनों को ना मोड़ें और इसी तरह बाएं पैर से भी इस आसन की क्रिया को दोहराएं। सेकंड है धनुरासन। पेट के बल लेटे रहिए और पैरों को सीधा रखें। अब दोनों टांगों को घुटनों से ऊपर की ओर मोड़ें और दोनों हाथों से पैरों के टखने पकड़ें। सांस लेते हुए सिर, छाती, जांग, घुटने, पैर और हाथ ऊपर उठाएं। थोड़ी देर बाद सांस छोड़ते हुए अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएं। घुटनों के बीच और पैरों के बीच 1 फुट की दूरी रखें। लास्ट है भुजंगासन। जैसे पेट के बल लेटे थे उसी तरह बने रहें। अब दोनों पैरों को आपस में जोड़कर जमीन पर रखें। अपने पैरों के अंगूठे और एड़ियों को मिलाएं, दोनों हथेलियों, छाती के बगल में और कंधों के नीचे जमीन पर रखें। अब सांस लेते हुए कोहनियों के सहारे सिर और छाती को ऊपर ले जाएं। थोड़ी देर के बाद सांस लेते हुए सिर, छाती, नाभि तक पेट को उठाते हुए आसमान की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए अपनी पहली पोजीशन में आइए।
अब बात करते हैं उन आसन के बारे में जिनको आप सीधा लेटकर कर सकते हैं। फर्स्ट है मरकट आसन। पीठ के बल लेटकर दोनों हाथों को कंधों के बराबर सीधे फैलाकर रखें। दोनों पैरों को जोड़कर घुटनों से मोड़ लें। अब कमर से नीचे के हिस्से को ट्विस्ट करते हुए पैरों को एक बार दाईं तरफ घुमाते हुए जमीन पर टिका दें। इस पोजीशन में सर को उसकी उल्टी दिशा में रखें। इस आसन को 10 से 20 सेकंड से शुरू करते हुए टाइमिंग रखें। दोनों पैरों से इस आसन को कीजिए, यह आपको कमर दर्द से भी राहत दिलाता है। सेकंड है मंडूकासन। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। अब आप अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद करके इसे आपने नाभि के पास लेकर आएं। मुट्ठी को नाभि और जांघ के पास ऐसे रखें कि मुट्ठी खड़ी हो और उंगलियां आपके पेट की तरफ हों। पहले सांस भरें, फिर सांस को छोड़ते हुए आगे झुकें। छाती को इस प्रकार नीचे लाएं कि वह जांघों पर टिकी रहे। अब आप इस तरह आगे झुकें कि नाभि पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव आए। सिर और गर्दन उठाए रखें, नज़र सामने रखें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें और अपनी पहली पोजीशन में आ जाएं। आप शुरुआत में 3 से 5 बार कीजिए, यह आपको डायबिटीज से भी राहत दिलाएगा। लास्ट है पवन मुक्तासन। सबसे पहले आप सीधा यानी पीठ के बल लेट जाएं, फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़कर तलवों को जमीन पर टिकाएं। अब अपने दोनों हाथों से घुटनों को ऊपर से पकड़ें और सांस लेते हुए घुटनों को सीने से लगाएं और 20-25 सेकंड तक सांस को रोक कर रखें। फिर अपने दोनों घुटनों को दोनों हाथों से फ्री करते हुए सांस को छोड़ें और पैरों को सीधा करके आम अवस्था में लेट जाएं। इस आसन को 4-5 बार एक एक बार करके दोनों पैरों से करें। तो ये थी किडनी पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए या योग के बारे में जानकारी। अगर आप इससे रिलेटेड या किडनी की किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आयुर्वेदिक हर्ब से बनाई गई दवाइयों से इलाज होता है। कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर यह जानकारी आपको यूजफुल लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर किडनी से रिलेटेड जरूरी जानकारियां मिलती रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 0987171205, 0114264274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।